बोटनिकल गार्डन पर चौकी पर एक महिला के साथ पर्स छीनने का प्रयास किया गया, क्या घटना है जरिए? ये परसों की घटना है, दिनांक 3 फरवरी की। एक महिला है जो एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लाजपत नगर से एक उबर कैब से, उबर मोटरसाइकिल से आ रही थी और जब कालिंदी कुंज उनके द्वारा क्रॉस किया गया, पीछे से कोई बाइक सवार आए और उन्होंने उनके पर्स पे झपट्टा मारा। पर्स छीनने के प्रयास में वो युवती गिर पड़े जिससे उनके चेहरे पर चोटें आई हैं। पर्स तो नहीं छीन पाए लेकिन महिला घायल हो गई, जिनको जो चलते हुए राजगीरों द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उस दिन इस घटना की सूचना नहीं हो पाई थी, उनके परिजनों से जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो कहीं व्यस्त थे अस्पताल में और बाकी स्थानों पर, इस कारण से नहीं आ पाए थे। आज उनके द्वारा आके इसमें तहरीर दी गई जिसपे अभी पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक बोटनिकल गार्डन पर चौकी पर एक महिला के साथ पर्स छीनने का प्रयास किया गया, क्या घटना है जरिए? ये परसों की घटना है, दिनांक 3 फरवरी की। एक महिला है जो एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लाजपत नगर से एक उबर कैब से, उबर मोटरसाइकिल से आ रही थी और जब कालिंदी कुंज उनके द्वारा क्रॉस किया गया, पीछे से कोई बाइक सवार आए और उन्होंने उनके पर्स पे झपट्टा मारा। पर्स छीनने के प्रयास में वो युवती गिर पड़े जिससे उनके चेहरे पर चोटें आई हैं। पर्स तो नहीं छीन पाए लेकिन महिला घायल हो गई, जिनको जो चलते हुए राजगीरों द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उस दिन इस घटना की सूचना नहीं हो पाई थी, उनके परिजनों से जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो कहीं व्यस्त थे अस्पताल में और बाकी स्थानों पर, इस कारण से नहीं आ पाए थे। आज उनके द्वारा आके इसमें तहरीर दी गई जिसपे अभी वो पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इसमें सहारा लेते हुए इन अभियुक्तों की पहचान की जाएगी और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बोटनिकल गार्डन पर चौकी पर एक महिला के साथ पर्स छीनने का प्रयास किया गया, क्या घटना है जरिए? ये परसों की घटना है, दिनांक 3 फरवरी की। एक महिला है जो एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लाजपत नगर से एक उबर कैब से, उबर मोटरसाइकिल से आ रही थी और जब कालिंदी कुंज उनके द्वारा क्रॉस किया गया, पीछे से कोई बाइक सवार आए और उन्होंने उनके पर्स पे झपट्टा मारा। पर्स छीनने के प्रयास में वो युवती गिर पड़े जिससे उनके चेहरे पर चोटें आई हैं। पर्स तो नहीं छीन पाए लेकिन महिला घायल हो गई, जिनको जो चलते हुए राजगीरों द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उस दिन इस घटना की सूचना नहीं हो पाई थी, उनके परिजनों से जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो कहीं व्यस्त थे अस्पताल में और बाकी स्थानों पर, इस कारण से नहीं आ पाए थे। आज उनके द्वारा आके इसमें तहरीर दी गई जिसपे अभी वो पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इसमें सहारा लेते हुए इन अभियुक्तों की पहचान की जाएगी और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बोटनिकल गार्डन पर चौकी पर एक महिला के साथ पर्स छीनने का प्रयास किया गया, क्या घटना है जरिए? ये परसों की घटना है, दिनांक 3 फरवरी की। एक महिला है जो एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो लाजपत नगर से एक उबर कैब से, उबर मोटरसाइकिल से आ रही थी और जब कालिंदी कुंज उनके द्वारा क्रॉस किया गया, पीछे से कोई बाइक सवार आए और उन्होंने उनके पर्स पे झपट्टा मारा। पर्स छीनने के प्रयास में वो युवती गिर पड़े जिससे उनके चेहरे पर चोटें आई हैं। पर्स तो नहीं छीन पाए लेकिन महिला घायल हो गई, जिनको जो चलते हुए राजगीरों द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उस दिन इस घटना की सूचना नहीं हो पाई थी, उनके परिजनों से जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो कहीं व्यस्त थे अस्पताल में और बाकी स्थानों पर, इस कारण से नहीं आ पाए थे। आज उनके द्वारा आके इसमें तहरीर दी गई जिसपे अभी वो पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इसमें सहारा लेते हुए इन अभियुक्तों की पहचान की जाएगी और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा।